Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. तो आज एक्चुअली हम लोग काली नाइट्रिकम के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली काली नाइट्रिकम इसलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है क्योंकि काली नाइट्रिकम एक काफी कॉमन यूज मेडिसिन है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल. तो और ये काफी कई बार लोगों से मिस भी हो जाती है. तो कोशिश करेंगे कि जो है काली नाइट्रिकम के बारे में एक जनरल इसका जो पिक्चर है उसको सब लोग समझेंगे. और इसके पहले काली का एक जनरल पिक्चर सबके सामने होना चाहिए कि काली ग्रुप में बेसिकली मेंटल स्टेट और बाकी सिम्टम्स के साइड आते. तो एक थोड़ा सा हम काली ग्रुप पहले डिस्कस करते हैं कि काली ग्रुप पे यूजली क्या होता है कि इसमें काली ग्रुप में एंजाइटी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है. और एंजाइटी के अलावा इसमें एक जो मेन इसका पार्ट है वो सेंस ऑफ ड्यूटी की रूल्स रेगुलेशन सेंस ऑफ ड्यूटी एवरीथिंग शुड बी इन द टाइम. तो हर चीज क्या होता है काली ग्रुप का एक मेन इसका जो सिम्टम है कि इसका हर चीज अपना एक सिस्टम के हिसाब से चलता है कि अगर मुझे 4 बजे कुछ काम करना है तो 4 बजे का उसका शेड्यूल फिक्स है, फिर 5 बजे कुछ और, 6 बजे कुछ और. तो इस तरीके से इसके सारी चीजें शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं. ये थोड़ा सा जो पर्सन होते हैं ये म्यूट कर लेना इसका. म्यूट कर लिया. हाँ तो बेसिकली हम काली के लिए एक बात कर रहे थे. तो काली का जो एक मेंटल स्टेट होता है वो थोड़ा सेंस ऑफ ड्यूटी की तरफ ज्यादा होता है. तो एंग्जियस भी होता है, फियरफुल भी होता है, बट सेंस ऑफ ड्यूटी काफी होता है. तो उसी की वजह से उसकी एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा बढ़ती है कि कोई काम इस समय पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे, इतना सारा काम है. तो हर चीज को वो समय से करने की उसकी आदत होती है और पंक्चुअलिटी काफी है, डिसिप्लिन हर चीज का. इसी तरीके से जो है उसमें एक हर सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें सेट हो जाती है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. ठीक है, कोशिश करना कि म्यूट रखो अपना पार्ट को, तो जिससे फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं कि काली ग्रुप का जो मैं बात कर रहा था कि काली ग्रुप में एक जो कॉमन इसका जो मेंटल स्टेट होता है, मेंटल स्टेट मीन्स 3-4 चीजें काफी कॉमन होती हैं, वो चीज हम लोगों को उसके ध्यान में रखना चाहिए. एक सिंसियरिटी, सीरियसनेस और सेंस ऑफ ड्यूटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन. ठीक है, उसी के साथ इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड उसका एंग्जाइटी और फियर थोड़ा सा जुड़ा हुआ होता है. तो इस तरीके के कुछ एक पर्सन अलग होते हैं, कुछ सिविलियंस होते हैं, कुछ मिलिट्री से रिलेटेड होते हैं, तो और कुछ एक जनरल्स जो पीपल होते हैं. तो उनमें कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है कि हर चीज सिस्टमेटिक चाहिए उनको. उसके इधर उधर जाते हैं तो फिर वो परेशान होने लगते हैं या फिर अपने स्टाफ के साथ अपने कंपनी या बिजनेस में उनको प्रॉब्लम होता है तो फिर वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. तो फिर किसी ना किसी तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं. तो उनको हर चीज चाहिए, समय से चाहिए, तो फिर चाहिए. तो बेसिकली काली ग्रुप में एक तो मेंटल स्टेट कुछ इस तरीके का कॉमन दिखाई देता है हर काली ग्रुप में, फिर उसके बाकी सिम्टम्स होते हैं. फिर काली बाकी मोस्टली जितने भी काली हैं काफी हद तक चिली होते हैं, जैसे लाइक काली कार्व है, काली फॉस है, काली म्यूर है, काली आर्स है. तो मोस्टली जितने भी काली चिली होते हैं, बट कुछ काली ग्रुप काली मेडिसिन है वो हॉट होते हैं, जैसे लाइक काली नाइट्रिकम, काली सैनिटम, काली सल्फ. तो ये हॉट साइड में होती है मेडिसिन. तो फिर हम इनको बाकी और सिम्टम्स से रूल आउट करते हैं. इन जनरल बाकी कालीज में थर्स थोड़ा ज्यादा होती है, स्वेटिंग ज्यादा होती है. ठीक है, तो ये काफी कॉमन हो गया. डिजायर फॉर सॉर थिंग्स की ज्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा बाकी सिम्टम्स से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पे आज हम काली नाइट्रिकम का पिक्चर देखेंगे. तो जैसे कि हम लोग पहले क्लासेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम मेडिसिन को पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली हम उनके पिक्यूलियर्स को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं. तो मेंटल, फिजिकल और फिर कुछ पर्टिकुलर्स अगर पिक्यूलियर है तो उनको रूल आउट करते हैं, क्योंकि कॉमन सिम्टम्स तो लगभग लगभग सारी मेडिसिन में दिखाई देते हैं.
तो हम लोगों ने जैसे कि फोर क्वाड्रेंट्स में बात करते थे कि मेंटल स्टेट्स को फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, तो काली का जो क्वाड्रेंट है यूजली सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, काली नाइट्रिकम सॉरी, काली नाइट्रिकम का फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट ये ज्यादा कवर करता है, क्योंकि इसमें जो इसका पेशेंट का जो पिक्चर है वो एंग्जायटी फियरफुल ये ज्यादा दिखाई देता है कि उसमें एंग्जायटी लेवल ज्यादा है, फियर किसी चीज से रिलेटेड है कि उसको कोई बीमारी का या किसी चीज का एक फियर उसके अंदर दिमाग में बैठा होता है, और उसके साथ फिर एंगर भी काफी प्रोमिनेंट होता है, तो ये काली नाइट्रिकम में दिखाई देता है जब हम पेशेंट का केस चेकिंग लेते हैं। तो हम अभी जब सिम्टम्स देखेंगे तब फिर और आगे चीजें क्लियर होंगी। तो इसका सबसे पहले हम मेंटल वाला पार्ट देखते हैं जो काफी हद तक काली नाइट्रिकम को हमको कंफर्म कराता है। तो मेंटल में क्या है कि जैसे कि हमने बोला ना कि पेशेंट एंजाइटी विथ फियर फ्यूचर, फियर ऑफ डेथ और जो इंडिफरेंस है, ये पेशेंट्स की केस टेकिंग के समय काफी हद तक दिखाई देता है। पेशेंट किसी ना किसी डिजीज को लेके या फैमिली से रिलेटेड या किसी काम को रिलेटेड काफी एंग्जियस होता है, तो उसके वर्ड्स से सेंटेंसेस में होता है कि ये काम कैसे हो पाएगा, मुझे नींद नहीं आती है और मुझे कई बार तो कोई कुछ बोलता है तो मुझे गुस्सा भी आ जाती है। तो जब वो बात कर रहा होता है तो वो एंग्जायटी लेवल दिखाई देता है, क्योंकि एंग्जियस पेशेंट हमको ऑब्जर्व करते हैं तब दिखाई देता है, और खास तौर से उसको फ्यूचर का हमेशा एक एंग्जायटी रहता है कि कैसे ये काम हो पाएगा, किस तरीके से कर पाएंगे, बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को कैसे हम सेटल कराएंगे, इवन जब बच्चे पढ़ भी रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है, बिजनेस भी सब सही चल रहा है, बट फिर भी एंग्जायटी लेवल उसका बना हुआ है कि ये जो है कैसे कर पाएंगे आगे, और अकेले ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो कुछ इस तरीके के एंग्जायटी लेवल्स दिखाई देते हैं। फियर ऑफ डेथ ये भी काफी मार्क होता है, और ये फियर इस तरीके का होता है, कई बार पेशेंट बोलता है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरा बिजनेस है उसको कौन मैनेज करेगा, तो इसलिए उसको एक फियर भी रहता है कि अगर मैं चला गया तो उसके बाद कैसे किसी चीज को संभाले। एंग्जायटी विथ फियर कुछ इस तरीके के सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। फिर इंडिफरेंस वाला पार्ट जो होता है, इंडिफरेंस एपैथी इनवायरमेंट, ये एक रूब्रिक पीएस का, तो यूजली क्या होता है कि इंडिफरेंस मोड इसका अगर हम देखें, इसका जो थॉट्स मैंने यहाँ पे दिखाया है लिखा है कि रश फ्लो ऑफ थॉट्स, तो इसके क्या होता है दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, क्योंकि एंग्जियस है पेशेंट तो हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा है कि बच्चों का, काम का और वाइफ का और या फिर बिजनेस का, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी या फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग की कैसे हम किस चीज को कैसे करेंगे, तो वो चलता रहता है। अब जस्ट लाइक अभी एक पेशेंट ही था, वो उसने बिजनेस स्टैंड किया अपने ऑप्टिकल्स का, ठीक है, चश्मे का बिजनेस उसने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया, सब कुछ अच्छे से सेटल कर लिया, और उसके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बिजनेस संभालने लगे, लेकिन अभी भी वो हाइपर एंग्जाइटी मोड में रहता है और बच्चों के लेकिन काफी परेशान रहता है कि बच्चे कैसे बिजनेस को संभाले, जबकि बच्चे अच्छे से काम को कर रहे हैं, उसे नींद नहीं आती है, सुबह जल्दी उठ जाता है, और बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो वो अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक फियर रहता है कि कहीं ये गड़बड़ नहीं कर रहे, तो वो कंप्लेन ही यही लेके आता है कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं जब भी सोने जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ। तो जब उसका कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो एज सच कोई कॉज नहीं है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, फैमिली भी अच्छे से सब सेटल्ड है, सब कुछ सही है, बच्चे अच्छे से बिजनेस देख रहे हैं, बट उसका एंग्जायटी लेवल काफी हाई है, उसकी वजह से ही सिर्फ और सिर्फ बिना किसी कारण के यही दिमाग में चलता रहता है। तो रश ऑफ फ्लो ऑफ थॉट्स, ही हैज डिजायर टू एक्ट बट डज नॉट नो हाउ टू डू, फील्स बोर्डम, लॉस द हैबिट ऑफ चेयरफुल। तो इवन इसकी जो वाइफ भी थी, एक एग्जाम्पल लिया मैंने इसके, इसका वाइफ आराम से बैठ के बताती है कि इनको पता नहीं किस चीज का प्रॉब्लम रहता है, बच्चे सब काम करते हैं लेकिन फिर भी ये परेशान रहते हैं, हम लोग सब अच्छे से बात करते हैं, चिल करते हैं, सब कुछ इंजॉय करते हैं, बट ये पता नहीं क्या चीज सोचते रहते हैं, तो और इनको ये लगता है, फिर वाइफ कहती है कि इनको ये लगता है कि ये हमारे बारे में ही बात करते रहते हैं कुछ, तो मीन्स है कि वो क्या बोर्डम वाले पार्ट में चला जाता है, मीन्स है कि उसे किसी चीज में अच्छा फील नहीं होता, उसे लगता है कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, तो उसका फिर थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो काली नाइट्रिकम में क्या होता है कि एंग्जायटी लेवल जब ज्यादा दिखाई दे तो एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स तुरंत हमारा क्लियर होता है कि एंग्जायटी लेवल वाला कौन सा मेडिसिन हो सकता है कि जो इस पेशेंट की तरफ जाए, तो उसमें से एक काली नाइट्रिकम भी होता है, फिर हम उसके बाकी सिम्टम्स से कंफर्म करते हैं कि दिस इज काली नाइट्रिकम और नॉट। फिर आगे जो कंफर्मेटरी आता है कि काली ग्रुप में, कि हाँ ये काली का सेंस ऑफ ड्यूटी, एवरीथिंग शुड बी इन शेड्यूल, उसको पता है कि मुझे 5 बजे मेरा दुकान खुलना चाहिए, 6 बजे मुझे दूध लाना है, 7 बजे मुझे बच्चों को छोड़ना है,
तो मीन्स है कि फिर सारी चीजें उसी हिसाब से रेडी होनी चाहिए। तो ये उसके अंदर एक ड्यूटीफुलनेस, तो हर चीज उसको ड्यूटी, अब उसके अकॉर्डिंग दूसरा नहीं चलता है तो फिर वो इरिटेट होने लगता है, कुछ इरिटेट होते हैं, कुछ उसको छोड़ के अपना काम करने लगते हैं। तो कुछ इसी तरीके से काली नैट्रिकम में है कि जब कोई चीज उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो उसका इरिटेशन और एंगर काफी वायलेंट फॉर्म में आने लगता है, तो फिर वो रिएक्ट करने लगता है, गुस्सा अपना दिखाने लगता है। तो काली नैट्रिकम का एक ये सिम्टम काफी हद तक दिखाई देता है कि एंग्जाइटी, फियर, एंगर, ये सारी चीजें काफी प्रोमिनेंट होने लगती है इसकी। स्टार्टल इजिली, सोते सोते एकदम से चौंक जाएगा, या फिर किसी चीज को लेकर एकदम से चौंक जाएगा कि क्या हुआ। और फिर एक डिल्यूजन है, लेग्स आर मेड अप ऑफ बोर्ड ऑफ ग्लास, तो ये एक सिम्टम है थूजा का कि डिल्यूजन, इसको पैर लगते हैं कि कमजोर है। एक्चुअली ये सिम्टम पेशेंट एज सच ऐसे नहीं बताता है कि मेरे पैर लकड़ी के बन गए ग्लास के, बट पेशेंट बोलता है कि मेरे पैरों में वीकनेस काफी फील होती है। इवन कई बार प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ही पेशेंट ये बोलता है कि पैर काफी कमजोर महसूस होते हैं और चलते में दिक्कत होता है, ऐसा लगता है कि पैर टूट जाएंगे, तब ये पेशेंट लैंग्वेज बोलता है। तो मीन्स दिस इज द सिम्टम जस्ट लाइक डिल्यूजन एज ए फ्लेक्स आर मेड अप ऑफ वुड ऑफ ग्लास। तो ये थूजा का भी एक सिम्टम है और इस काली नैट्रिकम में। तो अभी हम काली नैट्रिकम जब स्टडी करेंगे तो इसमें थूजा से भी मिलते जुलते सिम्टम्स दिखाएंगे, तीन चार मेडिसिन इसके आसपास दिखाई देती, इसलिए अभी हम उसको देखेंगे। तो इसलिए मैंने काली नैट्रिकम आज रखा था कि उसके साथ तीन चार मेडिसिन को भी हम कंपेरेटिव करके फिर उसको डिसाइड करेंगे काली नैट्रिकम में या बाकी मेडिसिन। तो ओवरऑल मेंटल स्टेट काली नाइट्रिकम का एंग्जाइटी, एंगर, तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और दूसरा इसके अंदर फियर होता है, सेंस ऑफ ड्यूटी होता है। तो कई बार जब हम केस लेते चले जाते हैं काली नाइट्रिकम के सिम्टम्स देख रहे हैं, तो एज ए कंफर्मेटरी हम लोग पूछते हैं कि ये अपना काम समय से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, समय से करने की आदत है या नहीं है। तो जब तुरंत ही फिर रिप्लाई आता है कि अरे इनका काम अगर एक मिनट इधर उधर हो गया तो ये परेशान हो जाते हैं, तो दैट इज द कंफर्मेटरी सिम्टम ऑफ दिस काली ग्रुप, सेंस ऑफ ड्यूटी। तो ये तो मेंटल पार्ट था इसका, मेंटल स्टेट और मेंटल सिम्टम्स। फिर आते हैं हम फिजिकल्स में। फिजिकल में जब हम जाते हैं तो वही जनरल पॉइंट जो पूछे जाते हैं पहले कॉमनली कि रिलेशन विद हॉट एंड कोल्ड, तो जनरली काली नाइट्रिकम ने बात किया कि काली नाइट्रिकम एंड काली सल्फ ये हॉट मेडिसिन होती है। काली नाइट्रिकम हॉट है, इसको डिजायर सॉल्ट और फैट ये काफी मार्क्ड होता है। और अगर हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड में भी डिजायर सॉल्ट और फैट के होते हैं, बट नाइट्रिक एसिड चिली साइड में जाता है, फिर उसके और दूसरे सिम्टम्स होते हैं। तो काली नाइट्रिकम में भी कुछ थोड़ा बहुत नाइट्रिक एसिड के भी सिम्टम्स आते हैं, काली के भी सिम्टम्स आते हैं, बट काली में इन जनरल सॉल्ट वाला जो डिजायर है वो काली नाइट्रिकम में ही ज्यादा दिखाई देता है। बाकी काली कार्ब, काली सल्फ, काली आर्स, इन सब में स्वीट डिजायर होता है। और इसको डिजायर सॉल्ट, डिजायर पैट के साथ वार्म थिंग्स की भी डिजायर है, और वार्म ड्रिंक से इवन इसको आराम भी महसूस होता है। तो जस्ट लाइक इसको वार्म से रिलीफ मिलता है। पर्सपिरेशन इन जनरल काली ग्रुप में प्रोफ्यूज होता है। स्लीपलेसनेस ये भी काली ग्रुप का एक काफी कॉमन सिम्टम है। तो ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कई बार पेशेंट लेके आता है तो पता चलता है कि स्लीपलेसनेस क्यों है, क्योंकि ये एंग्जाइटी और फियर काफी ज्यादा है फ्यूचर को लेके या फिर अभी के काम को लेके, तो ये हमेशा परेशान स्लीपलेसनेस वाले पोर्ट में। तो फिर काली नाइट्रिकम की तरफ जब कंफर्म होता है ये पेशेंट, एक तो मेंटल सेंस ऑफ ड्यूटी वाला पार्ट है ये कंफर्म करता है, देन इसका ड्रीम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रीम नहीं मिलता है तो काली नाइट्रिकम फिर ऑलमोस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका ड्रीम काफी इंपॉर्टेंट है। और ड्रीम इसमें क्या होता है कि मैनी ड्रीम, एक रूब्रिक भी है इसका मैनी ड्रीम। तो जब पेशेंट से पूछते हैं कि सपने कैसे आते हैं, तो पेशेंट बोलता है कि अरे सपने तो मुझे जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ सपने शुरू हो जाते हैं, और सुबह तक सपने चलते रहते हैं और नॉन स्टॉप सपने चलते हैं। इवन मैं बीच में नींद मेरी खुल गई तो उसके बाद भी सपना जहां ब्रेक होता है वहीं से कंटिन्यू होता है। तो ये उसका सपने वाला पार्ट काफी स्ट्रांग होता है कि सपने हमेशा नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। और इसके कुछ सपने काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स के ड्रीम आते हैं, जैसे कि दांत टूट के बाहर निकल गया, या फिर बॉडी का कोई पार्ट, हैंड जो है बाहर टूट के निकल गया, तो उसके बॉडी के पार्ट्स के जो ड्रीम्स आते रहते हैं तो उनको जोड़ने की कोशिश करता है। फिर एक ये वाला जो ड्रीम काफी मिलता है, ये तो बॉडी पार्ट वाला काफी रेयरली मिलता है, बट कॉमनली जो मिलता है हमको ड्रीम ऑफ वॉटर, पानी के सपने बहुत आते हैं, ड्रीम्स ऑफ डेड, पर्स्यूड बीइंग और फॉलिंग। जर्नी का क्या है कि हम एक कंफर्मेटरी सिम्टम कभी पूछते हैं तो ये कभी मिल सकता है कभी नहीं मिल सकता है, बट ये सिम्टम्स लगभग पेशेंट्स में मिलते हैं और फिर कंफर्म भी हो जाता है कि ये काली नाइट्रिकम की तरफ जा रहा है।
तो पेशेंट से जब हम पूछते हैं कि पानी के सपने, तो इवन मैंने बोला ना कि जब भी डिजायर्स या फिर पेशेंट्स के साथ जो भी हैबिट्स होते हैं, जब भी हम पूछते हैं तो पेशेंट के चेहरे पे एक स्माइल आता है। तो जब भी जैसे ही पूछते हैं कि क्या सपने कैसे आते हैं, तो पेशेंट कई बार सोच में पड़ जाता है क्या पूछना चाहते हैं। तो फिर जब हम ऑप्शन देते हैं कि पानी के, सांप के, या ये मरे हुए लोगों के, गिरने के, कुछ ऐसे सपने आते हैं, तो वो कहते हैं अरे हाँ डॉक्टर साहब, पानी तो हमको बहुत दिखाई देता है और हमको तो ऐसा लगता है हम पानी में तैर रहे हैं या पानी में हम गिर गए हैं। मतलब वो एकदम से चौंक जाता है कि इनको कैसे पता चल गया। तो ये ड्रीम्स ऑफ वाटर, ड्रीम्स ऑफ डेड, और मोस्टली फीमेल कई बार क्या होती है कि तुरंत सपने नहीं बताती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा संकोच करते हैं कि पता नहीं बुरे सपने होते हैं तो इसलिए बताना नहीं चाहिए या पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही पूछ लो उनको कि ऐसे सपने आते हैं, तो वो एकदम चौंक जाते हैं कि अरे इनको कैसे पता चल गया। तो ये ड्रीम ऑफ वाटर, ड्रीम ऑफ डेड, और पशु भी, कोई पीछा कर रहा है, कोई जानवर पीछा कर रहा है, कोई आदमी पीछा कर रहा है, तो इस तरीके के सपने इनको, खासतौर से फीमेल के साथ में पशु बीइंग वाला सपना जो है पेशेंट चल रही क्लिक नहीं करता है। तो जब बात करते करते पता चलता है, तब फिर फीमेल बताती है कि हाँ हमको ऐसा सपना आता है। और ड्रीम ऑफ फॉलिंग, कि ऊपर पहाड़ से गिर रहे हैं या फिर एकदम से ऊपर से चलते चलते गिर गए। और ड्रीम ऑफ फॉलिंग क्या है, थूजा का भी एक मार्क ड्रीम है। तो अब यहाँ पर थूजा का एक हमको डिलीजन भी मिला, लेग्स वीकनेस, की पेशेंट कंप्लेन लेके आया कि वीकनेस भी फील होती है लेग में, इधर ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग दिखाई दे रहा है। तो जब हम केस को पूरा देखते हैं ओवरऑल, तो थूजा इन जनरली चिली होता है, बट ये क्या है, हॉट है। तो यहाँ से थोड़ा सा मेडिसिन कट हो गया कि अच्छा थूजा नहीं है, बट थूजा का नियर है कोई। तो ये काली नाइट्रिकम एक मेडिसिन हो सकता है कि हॉट है और डिलीजन से या फिर वीकनेस ऑफ लेग्स है, बट ड्रीम्स ऑफ वाटर के साथ में अगर आ रहा है फॉलिंग है, तो फिर इट कुड बी काली नाइट्रिकम, और पेशेंट में थोड़ा बहुत एंग्जाइटी है क्योंकि थूजा में एंग्जाइटी लेवल उतना हाई नहीं होता है। अब तो ये इसके जनरल्स थे काफी जो मार्क थे। इसके बाद इसका जो हम बात करते हैं पेन की, कि काली नाइट्रिकम में अगर हम देखें कि काली का इन जनरल जो पेन होता है, मेनली काली कार्प का स्टिचिंग पेन उसका भी होता है, नाइट्रिक एसिड का भी पेन स्टिचिंग पेन होता है, और इधर काली नाइट्रिकम का भी पेन स्टिचिंग होता है। तो इसका जो भी पार्ट अफेक्टेड होता है, वहां पर मोस्टली कंप्लेन ऑफ स्टिचिंग पेशेंट बताता है। फिर आता है इसके पार्ट ऑफ अफेक्टेड, मोस्टली काली नाइट्रिकम में पार्ट्स कौन से अफेक्ट ज्यादा होते हैं, या पेशेंट डिजीज क्या कंप्लेन ज्यादा लेके आता है। तो अभी जैसे ग्रुप में मैसेज डाला था सबने कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। बट हाइपरटेंशन के लिए मैं बता दूं कि एक कुछ तो हम लोकली अप्रोच करते हैं कि पेशेंट सडनली आ गया, बीपी राइज है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो फिर हम उस समय पर मेडिसिन सोचते हैं वही एक्यूट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, कॉज क्या है, क्या उसका हेडेक कैसा हो रहा है, लोकेशन सेंसेशन, कुछ सिम्टम्स समय पे आ रहे हैं, मेडिसिन देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि फिर हम क्रोनिक केस है कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है, रेगुलर मेडिसिन खाता है, अब इसका हमको ट्रीटमेंट करना है, तो उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच होता है। तो उसमें से एक नाइट्रिकम भी है हाइपरटेंशन का मेडिसिन, और यूजली नाइट्रिकम ग्रुप में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि डिजीज और इनफेक्टेड में हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन और हार्ट ट्रबल्स, तो काली नाइट्रिकम का भी यहाँ पर सीट ऑफ एक्शन है हार्ट्स में और पेशेंट्स में। तो यूजली जितने भी नाइट्रिकम ग्रुप है उनका हाइपरटेंशन या हार्ट पर सीट ऑफ एक्शन होता है, जस्ट लाइक अगर यूरेनियम नाइट्रिकम है, एमाइल नाइट्रोसम है, गन पाउडर है, गन पाउडर में भी काली नाइट्रिकम और सल्फर ये मेडिसिन होते हैं, कार्बन होता है, दूसरा ग्लोनाइन है उसमें भी नाइट्रिकम ग्रुप होता है। तो जहां पे अर्जेंटम नाइट्रिकम है, तो जितने भी मेडिसिन है जिसमें नाइट्रिकम है, तो ये मेडिसिन के इनके सीट ऑफ एक्शन हार्ट पर होते हैं, और यूजली हाइपरटेंशन के केसेस में भी काफी इनका एक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को ध्यान देना होता है, जैसे लाइक एमएल नाइट्रोसम, एमएल नाइट्रोसम एक्यूट केसेस में कई बार यूज होता है कि पेशेंट कम्स विद दैट फ्लस्ड फेस, एकदम चेहरा लाल हो रहा है, बीपी काफी बढ़ता चला जा रहा है, बहुत एंग्जियस होता चला जा रहा है, तो उसको क्या होता है कि डिजायर टू स्केप आउट, खुली हवा की तरफ भागने की कोशिश करता है कि उसको एकदम उलझन होती है उस समय पर, तो वो एमाइल नाइट्रोसम है। तो ऐसे हर मेडिसिन का डिफरेंट अप्रोच होता है, किसी के जनरल्स के साथ, किसी का पर्टिकुलर्स के साथ, तो उसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे। तो यूजली काली ग्रुप का सीट ऑफ एक्शन, काली ग्रुप का एक ईयर पर भी सीट ऑफ एक्शन है, जितने भी मेनियर्स के केसेस हैं, नॉइजेस के केसेस हैं, तो मोस्टली काली ग्रुप कवर करता है। तो उसमें से काली नाइट्रिकम भी, अगर पेशेंट हॉट है, डिजायर सॉल्ट, डिजायर फैट के साथ में हो, एंग्जियस हो और सेंस ऑफ ड्यूटी हो, और ड्रीम्स अगर इस तरीके के हो, तो फिर हम काली नाइट्रिकम पे जाते हैं, अदरवाइज और काली, तो काली नाइट्रिकम
का ईयर पर भी हो गया। दूसरा काली ग्रुप का मेन सीट ऑफ एक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अस्थमा का एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है काली ग्रुप, जो रात को 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का चलता है। अगर हम 1 बजे से स्टार्ट करें कि काली आर्स 1, 2, 3 उसका टाइम ऑफ एग्रेवेशन है, मॉडलिटी है। काली कार्प का 3 बजे का है, काली वाई का भी 3 बजे का है, और इसका काली नाइट्रिकम का भी 3 बजे का टाइम है। इसका अस्थमा जो होता है इसका भी 3 AM एग्रेवेशन है, और यूजली 3 AM के साथ इसमें थर्स्टी भी होता है पेशेंट, बट कांट ड्रिंक। उसको ऐसे ही पानी पीने की कोशिश करता है तो उससे उसका डिस्नी और बढ़ जाता है, तो इसलिए पानी नहीं पी पाता। जस्ट लाइक जैसे आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक में भी थर्स्टी फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। स्मॉल क्वांटिटी इसलिए पीता है कि उसकी ट्रबल बढ़ नहीं जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीने की कोशिश करता है। ज्यादा पानी पिएगा वॉमिट आउट हो जाएगा। इन द सेम वे काली नाइट्रिकम में भी क्या है कि प्यास लगा हुआ, सांस फूल रही है, ज्यादा पानी पिएगा तो सांस और ज्यादा फूलेगी, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सिप्स में पानी लेने की कोशिश करता है। बट 3 AM का इसका टाइम मॉडलिटी वाला पार्ट है कि एग्रेवेशन होता है। फिर मोस्टली जितने भी क्रोनिक केसेस हैं, कुछ भी है, माइग्रेन है, सियाटिका है, रिमेटिज्म है, फीमेल डिसऑर्डर है, फीमेल यूटीआई और ये यूट्राइन फाइब्रॉइड ओवेरियंसिस, ओवरऑल जितने भी क्रोनिक केसेस हैं, साइनोसाइटिस या कुछ भी, तो बट उनका जो जनरल अप्रोच होता है वो इस तरीके से कि मेंटल एंग्जाइटी, एंगर, फियर और सेंस ऑफ ड्यूटी कुछ हो, हॉट हो डिजायर, सॉल्ट डिजायर, फैट के साथ हो, ड्रीम्स उसके कंफर्मेटरी सिम्टम होते हैं, तो दैट इज द काली नाइट्रिकम। अब इसमें थोड़ा सा हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि जब हम इस केस को ले रहे होते हैं तो 3-4 मेडिसिन आसपास दिखाई देने लगती हैं, तो अब उनको हमको रूल आउट करना होता है। तो सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर्स पे देखते हैं कि रेस्पिरेशन डिफिकल्ट वाला पार्ट अगर हम उठाते हैं, 3 बजे अस्थमा का कंप्लेन लेके आता है पेशेंट कि 3 बजे मेरी अक्सर आंख खुल जाती है और मेरा डिस्निया काफी ज्यादा होता है। तो उसमें कुछ मेडिसिन है जैसे लाइक अमोनियम कार, काली नाइट्रिकम, काली आस, किप्रोमेट, इनका सबका 3 AM का टाइम मॉडलिटी वाला जो एग्रेवेशन वाला पार्ट है। तो देखें कि अमोनियम कार में मेनली इसको 3 बजे एकदम सफोकेटिव कफ होता है, डिस्निया फील होता है, बट इसका जो मॉडलिटी है कि एग्रेवेशन इन द वार्म रूम, बंद कमरे के अंदर बहुत उलझन होता है, डिजायर फॉर ओपन एयर, खुली हवा में जाके इसको रिलीफ मिलता है। तो अगर 3 बजे वो खासतौर से जब कमरे के बाहर जाने की कोशिश करें और डिस्निया फील करें तो फिर हम अमोनियम कार पे जा सकते हैं। काली कार में क्या है कि इसका 3 बजे के आसपास हो सकता है, 2 से 4 बजे के बीच का भी होता है, बट इसमें क्या होता है एग्रेवेशन लाइंग ऑन जैसे ही एम्ब्रेसन बाय सिटिंग बेंडिंग बैकवर्ड वो फॉरवर्ड कि जैसे ही बैठकेगा और फिर आगे थोड़ा झुकेगा तो उसको सांस में रिलीफ मिलता है, बाहर भागने की जरूरत नहीं इसको। काली नाइट्रिकम अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टाइम 3 बजे का है बट उसको थर्स्टी होता है, बट पानी से भी उसको प्रॉब्लम होती है तो पानी नहीं पी पाता है। तो 3 AM में जब हम देखें कि थोड़ा सा थर्स्टी हो तो काली नाइट्रिकम की तरफ जाएंगे। और काली आर्सेनिक में क्या होता है कि इसका 1 to 3 AM का एग्रेवेशन है कि अगर 12 बजे से देखा कि धीरे धीरे 1 बजे यहाँ बजे उसका डिस्निया स्टार्ट हो गया, तो टाइम मेनली कंसिडर होता है एस्थमेटिक पेशेंट्स में, तो लगभग लगभग आसपास ही होती है मेडिसिन। क्यूप्रामेट में भी 3 AM का एग्रेवेशन है, बट इसमें कफ काफी ज्यादा होता है, सफोकेटिव कफ होता है, इवन इतना कि उसका चेहरा एकदम नीला पड़ जाता है और उसको पानी पीने से आराम मिलता है। तो क्यूप्रामेट में एम्ब्रेसन बाय ड्रिंकिंग वाटर और जनरली सफोकेटिव कफ के साथ में होता है, बट बाकी सब में डिस्निया ज्यादा होता है। तो इसको सबको बेसिकली थोड़े थोड़े से उसके जो मॉडलिटीज हैं उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इन जनरल आते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच करते हैं तो कुछ मेडिसिन हमको आसपास दिखाई देती हैं। तो अगर हम ड्रीम्स से ही देखें क्योंकि ड्रीम ही मेन इसका है, और फिर कुछ जनरल्स इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ड्रीम ऑफ वाटर, पर्स्यू बींग, फॉलिंग और जर्नी। अगर हम अब देखें कि अभी हमने देखा था कि थूजा दिखाई दे रहा था, थूजा क्यों दिखाई दे रहा था, डिजायर सॉल्ट, डिजायर फैट, डिल्यूजन एज ए फ्लैग्स आर मेड अप ऑफ वुड और ग्लास, और मेन इसका ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग। तो यहाँ पे काली नाइट्रिकम में भी ड्रीम ऑफ फॉलिंग था, डिजायर सॉल्ट था, डिजायर फैट था, बट उसमें पेशेंट क्या था, यूजली हॉट था और पेशेंट एंग्जियस था, फियरफुल था। थूजा में एंग्जाइटी लेवल उतना नहीं होता, तो जब पेशेंट चिली हो, डिजायर सॉल्ट फैट के साथ में हो, ड्रीम ऑफ फॉलिंग हो, तो फिर हम थूजा की तरफ जाएंगे और उसको कंफर्म करेंगे उसके रॉ ऑनियन एवर्जन और डिजायर। यूजली थूजा में कच्चा प्याज या तो बिल्कुल नहीं पसंद है या फिर अच्छा लगता है उसको। आज ही एक पेशेंट था, उसको वो जब भी पूछे कि कच्चा प्याज पसंद है तो वो बोलते हैं कि सलाद में उसको ये गोभी या पत्ता कुछ इस तरीके का नहीं पसंद है, बट कच्चा प्याज पसंद। तो इस तरीके से पेशेंट बताता है। और वीकनेस ऑफ लेग, डिजायर फॉर टी थूजा में ज्यादा होता है, डिजायर सॉल्ट के साथ डिजायर टी है।
लैकेन भी कुछ कुछ नियर आ रहा है कि डिजायर सॉल्ट है, डिजायर वार्म ड्रिंक है, हॉट और चिली लैकेन में लगभग लगभग सेम है, तो यहाँ हॉट चिली का उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट इसके भी ड्रीम्स कैसे हैं, ड्रीम्स ऑफ जर्नी और ड्रीम्स ऑफ मिसिंग ट्रेन। तो जर्नी वाला ड्रीम हमारे काली नाइट्रिकम में भी था, बट उसमें वो हॉट है, एंग्जाइटी है, फियरफुल है उसके साथ है। लेकिन लैकेन में क्या होता है कि फॉरगेटफुलनेस, तो इसका जो मेमोरी है वो थोड़ा सा फॉरगेटफुलनेस की साइड जाता है, और स्पेशली रिसेंट थिंग्स के लिए कि मैंने सामान रख के कहीं भूल गया, या मैं सामान परचेज करने गया वहीं पे सामान छोड़ गया फिर पेमेंट करके चला आया, ठीक है, या कोई चाबी अभी रखी वो चाबी रख के भूल गया, तो इसका क्या है कि फॉरगेटफुलनेस काफी मार्क होता है। तो ये हमारा एक कंफर्मेटरी सिम्टम होता है कि हमें लग रहा है कि भाई लैकेन भी हो सकता है, तो हम एक कंफर्मेटरी सिम्टम पूछते हैं कि आपकी याददाश्त कैसी है, सामान रख के भूल तो नहीं जाते हैं, सामान लेते हैं तो छोड़ तो नहीं आते, कुछ इस तरीके का। तो जब पेशेंट एकदम से चौंक जाता है, बोलता है कि हाँ अरे भूलने की तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, तो एक बार फिर लैकेन की तरफ। और यूजली इसकी जितने भी कंप्लेन है वो अल्टरनेटिंग साइट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है लैकेन के लिए। तो पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेके आएगा कि पहले मुझे लेफ्ट साइड था अब राइट साइड हो गया, लैकेन यूजली लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है, तो ऑल्टरनेटिंग साइड की लेग्स लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो ऑल्टरनेट करता रहता है इसका, तो फिर हम लैकेन को कंफर्म करते हैं। सेकेंड आता है सैंक्रिस। सैंक्रिस इसलिए यहाँ पे दिखाई देता है क्योंकि इसका जो ड्रीम है, ड्रीम ऑफ स्नेक, ड्रीम ऑफ डेड एनिमल्स पर्स्यूड बीइंग बाय एनिमल, तो लगभग लगभग ड्रीम सारे मिल रहे हैं, ड्रीम ऑफ पर्स्यूड, ड्रीम ऑफ एनिमल्स, ड्रीम ऑफ डेड, काली नाइट्रिकम में भी था, बट इसमें ड्रीम ऑफ स्नेक जो उसमें काली नाइट्रिकम में नहीं है, तो सैंक्रिस में भी ड्रीम ऑफ, क्योंकि सैंक्रिस लैकसिस ये स्नेक ग्रुप की मेडिसिन है, लैकसिस लेफ्ट साइडेड है, सैंक्रिस राइट साइडेड मेडिसिन, सैंक्रिस चिली होती है और लैकसिस हॉट है, काली नाइट्रिकम हॉट है, ठीक है। सैंक्रिस के डिजायर है सच नहीं है, बट सैंक्रिस का भी मेंटल थोड़ा आसनिक जैसा होता है, उसको भी एंग्जाइटी होती है, थर्स्ट भी उसका आसनिक जैसा होता है, लेकिन ड्रीम्स इसके काफी डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इंटॉलरेंस टू टाइट क्लॉथिंग लैकसिस टाइप है, राइट साइडेड कंप्लेन है, लैकस स्नेक के सिम्टम दे रहा है, इंटॉलरेंस टू टाइट क्लॉथिंग और ड्रीम्स ऑफ स्नेक और ड्रीम्स ऑफ डेड बॉडीज, तो फिर एक बार को सोचना होगा सैंक्रिस तो नहीं है ये। और सैंक्रिस का ये मेन जो कंफर्मेटरी सिम्टम है वो पर्स्यूड बीइंग, कि उसको खासतौर से फीमेल जब बताती तो वो बोलती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, खासतौर से कोई इंसान पीछा कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसको वो दौड़ा रहा है, तो वो भाग रही है उससे। तो ये वाला सिम्टम पेशेंट जल्दी बताती नहीं है, ये थोड़ा जब बातचीत करते करते उससे निकालते हैं तब फिर क्लियर करती है कि हाँ ऐसा ड्रीम भी मुझे आता है, तो फिर ये सैंक्रिस की तरफ हो सकता है। नाइट्रिक एसिड, अभी हम लोगों ने देखा था नाइट्रिक एसिड का एक तो एक पेन हो गया, स्टिचिंग पेन, बट मेंटल स्टेट नाइट्रिक एसिड का भी डिसकंटेंटमेंट वाला है कि वो नेवर सेटिस्फाइड होता है नाइट्रिक एसिड, एंग्जाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, वो उसको लगेगा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, तो कभी इधर कभी उधर भागने की कोशिश करेगा, फिर वो रेवेंजफुल होता है कि बदला लेने की कोशिश, तो गुस्सा उसके अंदर नाइट्रिक एसिड के अंदर बहुत होता है। तो काली नाइट्रिकम में हम देखें कि नाइट्रिक एसिड का जो एंगर है नाइट्रिक वाला वो वर्ड यहाँ दिखाई देता है कि एंगर यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट है काली नाइट्रिकम में। नाइट्रिक एसिड चिली होता है, डिजायर सॉल्ट फैट यहाँ भी काले नाइट्रिक एसिड में, बट इसका जो यूरिन है ये हमारे लिए कंफर्मेटरी सिम्टम है, ऑफेंसिवनेस ऑफ यूरिन। ऑफेंसिवनेस ऑफ यूरिन अभी हम लोगों ने बेंजोइक एसिड में भी देखा था लास्ट टाइम, बट बेंजोइक एसिड क्या है कि स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन के साथ में एक छोटा मेडिसिन है, गाउट का, रूमेटिज्म का या रीनल कैल्कुलाई का, बट उसका ऑफेंसिव यूरिन ही मेन सब कुछ था कॉन्कमिटेंट सिम्टम। बट नाइट्रिक एसिड के लिए जनरल्स हैं उसके, चिली है, डिजायर सॉल्ट, डिजायर फैट है, डिजायर फॉर इनडाइजेस्टिबल थिंग। एक पेशेंट आती है, वो अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, वो उसको मिट्टी बहुत पसंद है, गमले वाली जो मिट्टी होती है उसको बहुत पसंद है, और उसका हस्बैंड बोलता है कि इसके अभी सर पर्स में से निकालेंगे तो उसमें से भी मिट्टी निकल आएगी। तो ये डिजायर फॉर इनडाइजेस्टिबल थिंग्स कुछ इस तरीके की नाइट्रिक एसिड में भी दिखाई देती है, और फिर सिम्टम में डिजायर सॉल्ट, डिजायर फैट, एंगर बहुत है, और ऑफेंसिवनेस ऑफ यूरिन, ये इसका कन्फर्मेटरी सिम्टम होता है। और नाइट्रिक एसिड की यूजली जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, आउटलेट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक है कि फिसर हो गया और ये पाइल्स हो गया, या फिर लिप्स के अराउंड हो गया, या फिर वेजाइना से रिलेटेड हो गया, यूरिथ्रा से रिलेटेड, तो ये पार्ट ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, यहाँ पे क्रैक और ब्लीडिंग ज्यादा दिखाई देती है। तो ओवरऑल ये जब काली नाइट्रिकम हम देखते हैं तो ये चार पांच मेडिसिन एक साइड दिखाई